अजीम ताजा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मोहतरम जनाब मुशाहिद उल्लाह खान साहब। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया आप ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र। ये सियासत तो गर्म से गर्म तर होती चली जा रही है सरकार। मैं तो कहूंगा कि आपको चाहिए था आज आप लड्डू भी तकसीम करते लाइव शो में। क्यों सर? ये जो सेनेट के चेयरमैन साहब ने वो जेलम वाले लड़के को सेनेट से निकाल के सेनेट को गुंडागर्दी से पाक किया है उस पर मेरा ख्याल है मिठाई तो बनती है। सरकार वो जेलम वाला लड़का जो आप कह रहे हैं वो इस मुल्क का वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात है। जुनैद साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई पहली दफा तो नहीं वजीर इत्तलात और नशरियात बना जिसको आप लंबा करके सुना रहे हैं। पहले भी बनते रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई पहली दफा नहीं बना। उसको इत्तलात और नशरियात वाले को बोलने की भी तो तमीज होनी चाहिए ना। एक सीनियर आदमी के हवाले से वो जिस तरह गुफ्तगू करता है तो मैं तो फिर शुक्र अल्लाह का करूंगा और मैं मिठाई बांट के भी आया हूं और आपको भी चाहिए कि बांटे। अच्छा मुशाहिद साहब, लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि वही गालियां आपने दी वही गालियां उन्होंने दी तो उनको बैन कर दिया गया है, आपको कुछ भी नहीं कहा गया। नहीं, मैंने तो कोई गालियां नहीं दी हैं। अगर मैंने गालियां दी होती तो चेयरमैन साहब मुझे भी बैन करते। चेयरमैन साहब मेरे कोई क्लास फेलो तो नहीं है ना। जिसने गालियां दी हैं उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया, पाबंदी लगा दी है। आपने असल में अपने अदबी जौक का फायदा उठाया है, आपने शेर और शायरी के अंदर बात की है। जुनैद साहब देखें, शेर तो मैं पढ़ता हूँ और वह मुझे याद है, अब वो इन पे फिट हो जाती है तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। असातिज़ा के शेर आप पढ़ रहे हैं, आप देखें ना जरा, असातिज़ा को भी उस वक्त पता था कि आइंदा प्रोग्राम क्या होगा। मैं समझता हूं कि ऐसे ही उन लोगों को उस्ताद शायर नहीं कहा गया। देखे पौन सदी पहले जो उन्होंने शेर लिखे थे वो सब कुछ सोच के लिखे थे। उनको मालूम था कि ये इंडिया का बंटवारा हो जाएगा और इसमें एक मुल्क बनेगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। अच्छा। और उसमें फिर सियासी जमातें बनेंगी और उनमें एक सियासी जमात पीटीआई होगी। अच्छा। और उस पीटीआई के जो लीडरान होंगे वो इस तरह गाली गलोच करेंगे। अच्छा। उन्होंने फिर उस हिसाब से वो शेर उस वक्त लिखे थे। तो मैं तो जुनैद साहब उन उस्तादों के लिखे हुए शेर ही सुना रहा हूं, मैं अपने पल्ले से तो कोई शेर सुनाता नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं खुद शायर नहीं हूं। वरना मैं रोजाना इन्हीं पे गजलें नज़में लिख के। सर जी वैसे आप सियासत के जावेद मियादाद हैं। क्यों जी, ये आप क्यों कह रहे हैं? जिस तरह उनकी क्रिकेट के ग्राउंड में लड़ाइयां होती थी ना, आपकी असेंबली में लड़ाइयां होती हैं। तो गौरी साहब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। जुनैद साहब मैं तो जाके उधर निशानदेही करता हूं, मैं अपोजिशन का बंदा हूं, मुझे गलत काम की निशानदेही करनी होती है। अब मैं अगर इधर बैठ के कहूं कि गौरी साहब का मुंह ऐसी है जैसे गुड़ का हलवा होता है तो ये मैंने कौमी मसले की निशानदेही की है। इस पर अगर गौरी साहब मेरे साथ लड़ पड़े तो ये फिर इनकी बेवकूफी है। गौरी साहब का मुंह कौमी मसला कैसे बन गया? यार क्यों नहीं है कौमी मसला? उस दिन आपने भी अपने एक प्रोग्राम में गन्ने की काश्त का जिक्र किया था। अगर एक मेहनत कश किसान ने खून पसीना एक करके गन्ना उगाना है, उसके बाद धूप में खड़े होकर सूरज तले उसने बेचारे ने उस गन्ने से गुड़ बनाना है और गुड़ के बाद उसके हलवे का इस तरह बेड़ा गर्क होना है तो फिर कौमी मसला ये क्यों नहीं है? एक दौर था कि ज़राअत के हवाले से हमारा मुल्क पहचाना जाता था। आज देखे ज़राअत का क्या हाल हो गया। तो आपकी बात से कन्विंस नहीं हूं। हाँ अलबत्त अगर आप गोगा जी का मुंह कहें तो वो एक कौमी मसला है, नजायज तजावजात हो सकती है या जगह का ज़िया हो सकता है। सर जी ज़राअत मेरी वजह नहीं खराब हुई। हाँ, आप ज़राअत की वजह से खराब हुए। नहीं सर जी, डैम सूख गए। देखो देखें, ये गोगा जी कौमी मसला नहीं है, ये हुकूमती मसला है। वो कैसे? हुकूमत में रह के खाया पिया जा सकता है, अपोजिशन में रह के नहीं। वाह। वैसे आपकी और फवाद साहब की लड़ाई की वजह से सेनेट की कार्रवाई में कौम दिलचस्पी बहुत ले रही थी, रौनक मेला लगा हुआ था। नहीं जुनैद साहब ऐसी बात नहीं है, वो तो ये अगर फवाद चौधरी बदतमीजी ना भी करे तो मैं अकेला भी शेर व शायरी सुना के तो लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। अच्छा। अभी तो मैंने सिर्फ कौमी मसाइल पे जो शेर फिट होते हैं वो सुनाए। अच्छा। मेरे पास तो बहुत ज्यादा पोएट्री इस दवाजी मसाइल के हवाले से भी पड़ी हुई है। अर्ज किया है जुनैद साहब,
कुकड़ों कड़ो माइया कुकड़ों कड़ो माइया पहले तेन मैं कुटांगी फिर कुटी मैनू तू माइया क्या बात है जी कुकड़ों कड़ो माइया काले कुकड़ का भी सदका बेच होना चाहिए सुनाओ जी सुनाओ कुकड़ों कड़ो माइया मुशाहिद फवाद चौधरी लगन सस से नू माइया कुकड़ों कड़ो माइया बगैर चुंज तो कुकड़ फैली हरी वेख कुकड़ों कड़ो माइया ना करी सैनिटल मुंह माइया कुकड़ों कड़ो माइया गल करके जहर लगे मेनू तू माइया कुकड़ों कड़ो माइया जो आपस कर देने गाला उत्ते ला देने ने टू माइया शाह साहब मेरा शायरी के नाल कोई तलक नहीं नहीं वो तो आपकी जसामत से नजर आ रहा है आपका सिर्फ खुराक से ताल्लुक है कुकड़ू कड़ू माइया छड़ो सियासत नूं लियाओ ओडिश जड़ी कर दी है छू छू माइया क्यों जी मैंने आपको पहले कहा था इनका सियासत से नहीं खुराक से ताल्लुक कुकड़ू कड़ू माइया आप जो मर्जी कहते जाए दोनों के कान पे नहीं रिंगनी जू माइया कुकड़ू कड़ू माइया लड़ाई उदो मुकनी है जदों साडे नक्कां च तुनोगे रूम आइया कुकड़ू कड़ू माइया जदों ये बदतमीजी करदा बदुआवां देंदा मेरा लू लू माइया कुकड़ू कड़ू माइया सैनेट च वरदी शुरू हो जांदा फू फू माइया कुकड़ू कड़ू माइया तमीज नाल गल कर क्यों करना है फू फू माइया ये सारे इशारे असातज़ा के ही है ना नहीं जनाब असातज़ा के शेर तो कौमी मसाइल के हवाले से होते हैं ये तो शेर में माही का जिक्र सुन के आप समझ जाएं कि ये मेरे जाती मसाइल के शेर कुकड़ू कड़ू माइया सियासत करते हैं यू माइया कुकड़ू कड़ू माइया ए गल दस पीटीआई नू तू माइया नहीं है ना जिसने गालियां दी हैं वो उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया पाबंदी लगा दी है आपने असल में अपने अदबी ज़ौक का फायदा उठाया है आपने शेर और शायरी के अंदर बात की है दुनियाद साहब देखें शेर तो मैं पढ़ता हूँ और वो मुझे याद है अब वो इन पे फिट हो जाती हैं तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता असल के शेर आप पढ़ रहे हैं आप देखें ना जरा असातज़ा को भी उस वक्त पता था कि आइंदा प्रोग्राम क्या होगा मैं समझता हूं कि ऐसे ही उन लोगों को उस्ताद शायर नहीं कहा गया देखें पौन सदी पहले जो उन्होंने शेर लिखे थे वो सब कुछ सोच के लिखे थे उनको मालूम था कि ये इंडिया का बंटवारा हो जाएगा और इसमें एक मुल्क बनेगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा और उसमें फिर सियासी जमातें बनेंगी और उनमें एक सियासी जमात पीटीआई होगी और पीटीआई के जो लीडरान होंगे वो इस तरह गाली गलोच करेंगे उन्होंने फिर उस हिसाब से वो शेर उस वक्त लिखे तो मैं तो जुनैद साहब उन उस्तादों के लिखे हुए शेर ही सुना रहा हूँ मैं अपने पल्ले से तो कोई शेर सुनाता नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं खुद शायर नहीं हूँ वरना मैं रोजाना इन्हीं पे गजलें नज़में लिख के सर जी वैसे आप सियासत के जावेद मियादाद हैं क्यों जी ये आप क्यों कह रहे हैं जिस तरह उनकी क्रिकेट के ग्राउंड में लड़ाइयां होती थी ना आपकी असेंबली में लड़ाइयां होती हैं तो गौरी साहब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना जुनैद साहब मैं तो जाके उधर निशानदेही करता हूँ मैं अपोजिशन का बंदा हूँ मुझे गलत काम की निशानदेही करनी होती है अब मैं अगर इधर बैठ के कहूँ कि गौरी साहब का मुंह ऐसी है जैसे गुड़ का हलवा होता है तो ये मैंने कौमी मसले की निशानदेही की है इस पे अगर गौरी साहब मेरे साथ लड़ पड़े तो ये फिर इनकी बेवकूफी है गौरी साहब का मुंह कौमी मसला कैसे बन गया यार क्यों नहीं है कौमी मसला उस दिन आपने भी अपने एक प्रोग्राम में गन्ने की काश्त का जिक्र किया था अगर एक मेहनत कश किसान ने खून पसीना एक करके गन्ना उगाना है उसके बाद धूप में खड़े होकर सूरज तले उसने बेचारे ने उस गन्ने से गुड़ बनाना है और गुड़ के बाद उसके हलवे का इस तरह बेड़ा गर्क होना है तो फिर कौमी मसला ये क्यों नहीं है एक दौर था कि ज़राअत के हवाले से हमारा मुल्क पहचाना जाता था आज देखे ज़राअत का क्या हाल हो गया मैं तो आपकी बात से कन्विंस नहीं हूं हां अलबत्ता अगर आप गोगा जी का मुंह कहें तो वो एक कौमी मसला है नजायज तजावजात हो सकती है या जगह का ज़िया हो सकता है सर जी ज़राअत मेरी वजह ना नहीं खराब हुई हाँ, आप ज़राअत की वजह से खराब हुए नहीं सर जी डैम सुख गए देखो
دیکھیں یہ گوگا جی قومی مسئلہ نہیں ہے یہ حکومتی مسئلہ ہے حکومت میں رہ کے کھایا پیا جا سکتا ہے اپوزیشن میں رہ کے نہیں مشاہد صاحب ویسے آپ کی اور فواد صاحب کی لڑائی کی وجہ سے سینٹ کی کاروائی میں قوم دلچسپی بہت لے رہی تھی رونق میلہ لگا ہوا تھا نہیں جنید صاحب ایسی بات نہیں ہے وہ تو یہ اگر فواد چودھری بدتمیزی نہ بھی کرے تو میں اکیلا بھی شعر و شاعری سنا کے تو لوگوں کو انٹرٹین کر سکتا ہوں ابھی تو میں نے صرف قومی مسائل پہ جو شعر فٹ ہوتے ہیں وہ سنائے ہیں میرے پاس تو بہت زیادہ پوئٹری ازدواجی مسائل کے حوالے سے بھی پڑی ہوئی ہے عرض کیا ہے جنید صاحب ککڑو کڑو مائیا ککڑو کڑو مائیا پہلے تینوں میں کٹاں گی پھر کٹی میں نو تم آئی کیا بات ہے جی ککڑو کڑو مائیا کالے ککڑ دا بھی صدقہ وچ ہونا چاہیے ساڈا وی شعر سناؤ جی سناؤ ککڑو کڑو مائیا مشاہد تے فواد چودھری لگن سس تے نو مائیا بہت اچھا ککڑو کڑو مائیا جی بغیر چونج تو ککڑ پھیلی ہری ویکھ ککڑو کڑو مائیا نہ کری سینٹل منہ مائیا ککڑو کڑو مائیا اے گل کر کے زہر لگے مینوں توں مائیا